हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जो दोस्तों बात करने वाले हैं हम एसएससी एमटीएस के फॉर्म के अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में। अभी दोस्तों एक छोटा सा काम करना है स्टार्ट करने से पहले। अगर अभी तक आपने चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों सरकारी exam.com ये सबसे पहले अपडेट आती है इस वेबसाइट पर, तो देख सकते हैं एसएससी एमटीएस रिक्वायर्ड 2024। पोस्ट नेम आपका एमटीएस टेस्टिंग स्टाफ एमटीएस नॉन टेक्निकल हवलदार की पोस्ट आपकी निकाली जाएगी एमटीएस में। अब जो दोस्तों स्टार्टिंग डेट है इसकी 7 मई 2024 रखी गई है, मतलब आज की डेट रखी गई है। बट जो है अभी आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, लास्ट तक आप बने रहिए। 7 तारीख से लेकर और 6 जून तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फीस डेट जो है 7 जून रखी गई है। और जो ऑनलाइन कनेक्शन डेट रहेगी आपकी 9 से लेके 11 जून में रखी गई है आपकी। पेपर वन पेपर आपका होएगा जून जुलाई से अगस्त के बीच में। एडमिट कार्ड आपके जुलाई में आ जाएंगे और रिजल्ट आपका अभी कोई डेट नहीं है। अगर आप जनरल ओबीसी डल्स के टिकट है 100 रुपये फीस रखी गई है। एससी एसटी पीएच वालों की 9 फीस रखी गई है, कोई फीस नहीं देनी है आपको। और मिनिमम आपकी एज जो है 21 है और मैक्सिमम आपकी जो है कोई पोस्ट अभी पोस्ट वाइज दी जाएगी। तो दोस्तों अभी जो है वैकेंसी भी आपकी अभी ओपन नहीं करी है। ये 10,000 प्लस पोस्ट आपकी निकाली जाएगी इसमें, 10,000 प्लस, ठीक है दोस्तों। इसमें एमटीएस की और एमटीएस की रहेगी और हवलदार की आपकी पोस्ट रहेगी। हाइट जो रखी जाएगी मेल वालों की 157 है, फीमेल की 152 हाइट है। चेस्ट आपकी 76 से लेकर 81 के बीच है और 8 किलोमीटर 30 मिनट में है। फीमेल की 3 किलोमीटर 25 मिनट में। मैक्सिमम आपका 48 किलो वेट होना चाहिए। 1600 मीटर 15 मिनट में है और फीमेल की जो है 1 किलोमीटर 20 मिनट में। दोस्तों इसमें दो एग्ज़ाम होने वाले हैं, फर्स्ट और सेकंड एग्ज़ाम। तो अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इस वाली वेबसाइट पर। जब आ जाओगे ssc.gov.in पे, तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर अप्लाई का बटन मिलता है। अप्लाई पर आप क्लिक करोगे यहाँ पर, उसके बाद नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डाल के ये कैप्चा डाल के लॉगिन करना है डायरेक्ट। अगर आप पहली बार यूजर है, पहले यूजर है, तो आपको न्यू यूजर इस पर रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने का इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। कंटिन्यू पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर मांगा जाता है। डू यू हैव आधार कार्ड नंबर? अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो आप अपना आधार नंबर डालिए, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आधार नंबर आपको डालना है पड़ेगा अपना। उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे, पूछा जाएगा कि आपका जो 10th की मार्कशीट में नाम है वो आपका क्या नाम रखा गया है। वो आप अपना नाम यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद दोबारा से नाम रख देना है। फिलहाल अभी मैं जो है डेमो के लिए तौर पे आपको बताने वाला हूँ किस तरह से बनना है बस। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा जो चौथी कॉलम है, हैव यू एवर चेंज नेम? अगर आपका नाम चेंज हुआ है कभी डॉक्यूमेंट्स में तो आप यस कर सकते हो, जो नाम चेंज हुआ है उसे आप दे सकते हैं। अगर नहीं हुआ है तो नो करेंगे। उसके बाद आपसे पांचवी जो कॉलम है आपसे पूछा जाता है आपका जेंडर क्या है। जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे अपना डेट। उसके बाद छठी कॉलम पर आओगे तो डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछी जाती है। तो अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको क्या करना है डालना पड़ेगा, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होएगा वो आपको दोस्तों डालना है। उसके बाद आपसे दोबारा से डेट ऑफ बर्थ के लिए बोला जा रहा है, तो दोबारा से आपको दो बार डेट ऑफ बर्थ अपनी जो है सेलेक्ट करनी पड़ेगी। और दो ही बार आपको क्या करना है, अपने पिताजी का नाम आपको फिल कर देना है। तो दो बार मैं अपने पिताजी का नाम फिल कर रहा हूँ। उसके बाद दो ही बार आपको माताजी का नाम फिल करना है। उसके बाद आपका जो 10वीं क्लास है वो आपने कौन से बोर्ड से किया है, उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर डालना है पड़ेगा। उसके बाद दोबारा से डालना पड़ेगा आपको। अपना हाई स्कूल का रोल नंबर फिल कर देना है, जो भी आपका हाई स्कूल का रोल नंबर है वो आप फिल कर देंगे। उसके बाद दोबारा से आपको हाई स्कूल का रोल नंबर फिल कर देना है। उसके बाद आपका डेट ऑफ पासिंग क्या है हाई स्कूल का, वो आप फिल करेंगे। दोस्तों फिलहाल मैं डेमो के तौर पर अभी बता रहा हूँ। जैसे जैसे ही मैंने 00 डाला है आपको पूरा रोल नंबर अपना डालना पड़ेगा।
फिर आपसे पूछा जाएगा आपने क्वालिफिकेशन क्या किया हुआ है, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, 10+2 या दोस्तों अगर आपने हाई स्कूल पास किया है तो आप हाई स्कूल भी यहाँ पे दे सकते हैं, क्योंकि ये जो SSC MTS की वैकेंसी है वो 10वीं क्लास से भी है। अगर आपने 10वीं से ऊपर कुछ किया हुआ है तो आप इनमें से सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपका मोबाइल नंबर क्या है, तो आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, जो भी आपको मोबाइल नंबर है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप अपना जो है एक मोबाइल नंबर में फिल कर देता हूँ डेमो के तौर पे। तो ये मेरा मोबाइल नंबर डल चुका है, ये फिलहाल डेमो के तौर पे है। यहाँ पर सेंड OTP पे क्लिक करोगे आप, तो जैसे आप सेंड OTP पे क्लिक करोगे आपके नंबर पे एक OTP जाएगा, फिर आपको ईमेल आईडी अपना देना पड़ेगा, जो भी आपका ईमेल आईडी है वो आप फिल कर देंगे इस तरह से। और एक बात आपको मैं बता दूं दोस्तों, संतुष्ट हो जाइए आप, या तो आप ईमेल का OTP डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर का डाल दीजिए, ईमेल आईडी का, दोनों में से एक OTP आपका चल जाएगा। ये नहीं कि दोनों का OTP आपको डालना पड़ेगा, दोनों में से एक OTP आप कोई सा भी डाल सकते हैं, या तो ईमेल का डाल दीजिए या अपने मोबाइल नंबर का डाल सकते हैं। तो इनमें से एक OTP आप कोई सा भी डाल दीजिए, उसके बाद आपको कर देना है सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट होने का आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, जब वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, अब आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो आपको पासवर्ड कौन सा डालना पड़ेगा, पासवर्ड आपको वो डालना पड़ेगा जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर या ईमेल आईडी पर आएगा, जब आपका सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा। और जैसे ही आप फर्स्ट बार लॉगिन करोगे दोस्तों फॉर्म को, तो आपको क्या कहा जाएगा कि जो आपको पुराना वाला पासवर्ड है वो आप पहले फिल करोगे, उसके बाद नया पासवर्ड के लिए बोला जाएगा, तो आपको अपना तरफ से एक नया पासवर्ड बनाना पड़ेगा, जो कि कैपिटल का नाम का बड़ा अक्षर बाकी स्मॉल एट द रेट उसके बाद कोई भी नंबर आप रख सकते हैं। तो अपनी तरफ से भी एक पासवर्ड आपको बनाना है, और जब आपका नया पासवर्ड बन जाएगा फिर आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दो सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको रखने हैं अपने, पढ़ के जो भी आपको ठीक लगेगा सिक्योरिटी क्वेश्चन दो सेलेक्ट करेंगे, उसका आंसर आप डाल दीजिए, कैप्चर डालें और सबमिट पर क्लिक कीजिए, रजिस्ट्रेशन और आपका पासवर्ड सक्सेसफुल मतलब जनरेट हो जाएगा। अब आपको अपना पासवर्ड मिल चुका है, अब पासवर्ड के साथ में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कैप्चर और यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपना फॉर्म लॉगिन कर लिया है, आपको भी दिख रहा होगा। अब दोस्तों जैसे मैंने लॉगिन कर लिया है तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी 10+2 वाला अप्लाई करने के लिए ऑप्शन मिल रहा है। तो आपको मैं एक बात बता दूँ दोस्तों, अभी जो है लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है MTS का, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, अपना रजिस्ट्रेशन आप पहले ही करके रख लीजिए, जैसे मैंने बताया रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आपको। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे उसके बाद जैसे ही यहाँ पर आपका अपडेट हो जाएगा मतलब SSC MTS का फॉर्म, तो आप डायरेक्ट अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के आप डायरेक्ट अपना फॉर्म भर सकते हैं। नहीं तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा उसके बाद आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। तो पहले आप रजिस्ट्रेशन करके रखिए अपने पास, उसके बाद आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो रजिस्ट्रेशन तो आपके काम ही आएगा आज ना तो कल, क्योंकि हर फॉर्म में एक ही बार रजिस्ट्रेशन होता है, बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, इस बात को आपको पता है सभी को। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कर लीजिए पहले, उसके बाद ही आप फॉर्म अप्लाई कीजिए जैसे लिंक एक्टिवेट होता है। तो वैसे मैंने जानकारी दे दी है आपको, बता दिया है सारा कुछ। अगर ये अपडेट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए आज ही, और अगर अभी तक आपने हमारे भाई को जो है सपोर्ट नहीं दिखाया है तो अपने भाई को सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि आपके जैसा ही हूँ मैं, बस थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सपोर्ट दिखाओगे तो और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना के लगाऊंगा। आपने इतना सपोर्ट दिया है तो और भी आप थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कुछ भी, कोई भी कुछ भी पूछना हो आपको, मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं भाई, जो है मतलब कि कुछ भी पूछना है मैं आपका तुरंत जवाब देने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद सभी का।